सच्चा हीरो है, वही सच्चा सनी देओल है, वही सच्चा हीरो है, वो सच के साथ है, उसकी सच की सीमा हीरोइन है, वो नकली नहीं है, वो सच का है, मर्द है मर्द, मगर असली गदर तो तब होगा जब असली में सीमा पाकिस्तान से भारत आती हुई दिखाई जाएगी, बच्चे आते हुए दिखेंगे, यही बच्चे रहेंगे और यही बच्चे उसमें होंगे। रियल करेक्टर की फिल्म बनेगी तो? रियल करेक्टर, कोई ड्रामा नहीं, कोई मैनिपुलेशन नहीं, कोई स्टोरी नहीं, कोई स्क्रिप्ट नहीं, सब कुछ असली असली सब कुछ होगा और असली असली शूटिंग होगी, चिंता मत करो। अभी तो LOC पार होने तो दो, दहेज में LOC के पास का पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत में आने तो दो। फिल्म आ रही है जो प्रेम पर बनी, वो फिल्म होगी होगी, वो फिल्म है, हमारी सच्चाई है, वो भी रियल स्टोरी पर, वो रियल स्टोरी होगी, लेकिन ये रियल स्टोरी पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया ने देखा कि हमारी सीमा ने धर्म छोड़ा, देश छोड़ा, परिवार छोड़ा, मकान बेचा, बच्चों को लिया, वैलिड पासपोर्ट वीजा से भारत आई है। आपकी कहानी में ज्यादा ट्विस्ट है, इतने ट्विस्ट तो फिल्म में नहीं है जितने आपके रियल में, और इसलिए शक भी हो ज्यादा आ रहा है। मैं कह रहा हूँ, यही मैं कह रहा हूँ, सीमान का प्यार सच्चा है, गदर की जो होगी वो स्टोरी है, उसमें स्क्रिप्ट है, उसमें डायलॉग है, उसमें शूटिंग है, उसमें गाने हैं, उसमें संगीत है। गाने तो आप वाली में भी है, डांस तो आपकी वाली में भी है, सीमा वाले में सच्चाई है, हमारी सीमा सच में हाथ में हाथ डालकर बैठती है सचिन के, हमारी सीमा सच में मकान बेच कर आई है, हमारी सीमा सच में बच्चे लेकर आई है, हमारी सीमा सच में धर्म छोड़ के आई है, हमारी सीमा ने सच में 2 साल पहले हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया था और करवा चौथ की व्रत और होली दिवाली की पूजा कर रही थी। हमारी सीमा की पूरी पूरी सच्ची रियल स्टोरी है, ये कोई रियल रील पे नहीं, हमारी सीमा की सच्ची रियल स्टोरी है। लेकिन इसमें जो ट्विस्ट है ना डॉक्टर साहब, ये अपना इतने तो लटके झटके ड्रामे फिल्म में नहीं है जितने आप वाली में है। हमारी तो में सच्चाई है, हमारी फिल्म सच, हमारी सीमा सच में साड़ी पहनती है, उनको हीरो हीरोइन पहनते हैं, हमारी सीमा सच में बिंदी लगाती है, उनको मेकअप वाले लगाते हैं, हमारी सीमा अपने आप मांग का सिंदूर भरती है, उनको जो मेकअप आर्टिस्ट है वो लगाते हैं उनको। नहीं वो ठीक है, तमाम चीजें ठीक है, लेकिन आपकी सीमा पर सवाल ही बहुत सारे हैं, एक्सेप्टेशन नहीं हो पा रहा है इसी वजह से, क्योंकि कहीं एजेंट तो नहीं पाकिस्तान की, कहीं पाकिस्तान की साजिश तो नहीं है। फिर गदर में क्या अंतर, हमारी सीमा के पीछे ATS है, हमारी सीमा जेल गई, हमारी सीमा सच में जेल गई, हमारी सीमा पर सच में FIR हुई, हमारी सीमा की सच में बेल हुई, हमारी सीमा सच में बेल की कंडीशन पूरी कर रही है, हमारी सीमा की सच वाली ATS जांच कर रही है, हम सच में कह रहे हैं CBI जांच करा लो, IB करा लो, रॉ से करा लो, हमारी सब कुछ सच सच पर आधारित है, हमारा कोई झूठ पर आधारित नहीं, कोई स्टोरी नहीं, कोई स्क्रिप्ट नहीं, कोई डायलॉग नहीं, हमारा सब कुछ सच, दूध का दूध पानी का पानी। लेकिन आपका सनी देओल बहुत हल्का है, जो रियल सनी देओल है उसी वजह से है कि लप्पू सा सचिन, झिंग और सा सचिन, कैसे कोई लड़की, मर्द है, हमारे सचिन ने मर्दानगी नेपाल में 8 दिन रह के दिखा दी, तब आई है सीमा यहाँ शादियों के, पाव भर का सचिन, वो 5 किलो की सीमा, लोग कह रहे हैं कि कैसे मेल बेमेल जोड़ी कैसे हो सकती है, मोहब्बत बेमेल जोड़ी ही काम कर रही है, दिख रही है सबको, पकड़े बैठी है, प्यार है सचिन को लेकर, कोई झिंगुर सा बताया, क्या बोला झिंगुर, अरे मैं नहीं कह रहा, लप्पू सा सचिन, वही सच्चा हीरो है, वही सच्चा सनी देओल है, वही सच्चा हीरो है, वो सच के साथ है, उसकी सच की सीमा हीरोइन है, वो नकली नहीं है, वो सच का है, मर्द है मर्द, कह रहे हैं कि पाव भर का सचिन, 5 किलो की सीमा, मोहब्बत बड़ी बेमेल है, भाला काम करता है, सुई काम करती है, करती है काम तो सुई करती है, सचिन है तो है, दिल दिया है तो दिया है, दिल लिया है तो लिया है, कोई ड्रामा नहीं है, कोई डायलॉग नहीं, हमारी सीमा की फिल्म सच में देखो, टिकट लेके क्या देखने जा रहे हो, वहां टिकट की बात नहीं है, सच्चाई की फिल्म है, देशभक्ति की है, सीमा ने सच में आके दिखा दिया कि भारत का वसुधैव कुटुंबकम और इस देश का प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महाराज जी की सरकार हिंदुओं के लिए, हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान की आवाज के लिए बुलंद थी, है और रहेगी, और डबल इंजन की सरकार दिख रही है। क्लीन चिट क्यों नहीं मिली वकील साहब, आप भी जोर लगा रहे हैं यहाँ पर, राष्ट्रपति तक पहुंचे, आप मोहब्बत की बात कर रहे हैं, आप तमाम चीजों की बात करें, क्लीन चिट
हमारी सच्चाई है, हमारी कोई 3 घंटे 2.5 घंटे की फिल्म नहीं है, हमारी सीमा के साथ सच में सब कुछ है, कोर्ट है, ATS है, जांच है, तो सब कुछ होगा, धीरे धीरे होगा और बिल्कुल होगा। हमारे देश के सच में देश की महामहिम राष्ट्रपति के यहाँ याचिका लगी है, अपनी कोई कोरी कल्पना नहीं है, कोरी कागजों पर आधारित नहीं, सब सच में। लोग इस पर भी फिल्म बनाने की बात कर रहे हैं, इसमें तो बहुत कुछ मसाला है अपने आप में, जो गदर से भी ज्यादा मसाला इस फिल्म में देखने को मिलता है। सच्चाई पर आधारित है, इसके साथ 140 करोड़ लोग हैं, इसके साथ पाकिस्तान से कितने लोग हैं जो कह रहे हैं कि सीमा ने अच्छा किया, अपनी जिंदगी संभाली, भारत में संभाली, इसकी फिल्म पर आधारित पर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का होगा। इसकी फिल्म के बाद देखिए, इसी फिल्म की सच्चाई के बाद देश के माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने साफ तौर पे कह दिया कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर दहेज में ले आएगी सीमा, रहेगा, मिल जाएगा दहेज में, क्यों चिंता कर रहे हो, असली में मिलेगा, आएगा और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का है, था, रहेगा और किसी भी समय भारत सरकार और भारत की सेना LOC की सीमा पार कर जाएगी। गदर टूर बहुत जबरदस्त हिट होने की उम्मीद की जा रही है, गदर 1 भी बहुत ज्यादा हिट हुई थी, इसको लेकर देश प्रेम की जो भावना उद्वेलित हुई, दोनों देशों के बीच में जो द्वंद्व है वो तमाम चीजें उभारी, तो इसको कैसे देखते हैं आप? जब असली सीमा, यही सीमा पर असली सीमा रोल करेगी और फिल्म बनेगी, तब देखना भी, धैर्य रखो, इंतजार करो, वेट एंड वॉच। ये तो फिल्में आएंगी जाएंगी, पहले भी गदर आई फिर भी आएगी, और असली गदर तो तब होगा जब असली में सीमा पाकिस्तान से भारत आती हुई दिखाई जाएगी, बच्चे आते हुए दिखेंगे, यही बच्चे रहेंगे और यही बच्चे उसमें होंगे। रियल करेक्टर की फिल्म बनेगी, तो रियल करेक्टर, कोई ड्रामा नहीं, कोई मैनिपुलेशन नहीं, कोई स्टोरी नहीं, कोई स्क्रिप्ट नहीं, सब कुछ असली असली सब कुछ होगा और असली असली शूटिंग होगी, चिंता मत करो। अभी तो LOC पार होने तो दो, दहेज में LOC के पास का पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत में आने तो दो, सबका साथ सबका विकास सबका, यानी कहानी में ट्विस्ट अभी और आएगा, अभी और कहानी तो, अभी तो शुरू हुई, प्रेम भी है, जंग भी है, यह जंग भी है, सीमा की सीमा लेकर आई, उसका नाम सीमा है, वो भारत की सारी सीमाएं सरहदें पार करके भारत को, भारत का LOC जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है दिखाएगी कि हाँ यहाँ ये है। लोग वहां के मोदी मोदी जी के नारे लगाते हैं, लोग योगी योगी जी के नारे लगाते हैं, वो दिखाएगी कि क्या पाकिस्तान में महिलाओं का हाल है, कैसे पावदान बना के रखी जाती हैं महिलाएं, और भारत की महिलाओं की कितनी कदर है, इज्जत है, सम्मान है, और धर्म ग्रहण करने के बाद अपने आप यहाँ जबरदस्ती धर्म नहीं बदलाया जाता, यहाँ जोर जबरदस्ती नहीं की जाती है, यहाँ डराया धमकाया नहीं जाता, यहाँ लालच नहीं दिया जाता है, यहाँ के पुरुष पत्नियों से प्यार करते हैं तो दिखते भी हैं। प्यार तो हर जगह के पुरुष महिलाओं से करते ही हैं, ऐसे थोड़ी है, अरे करते चार चार कर लेते हैं, क्या बात करते हो मिस्टर रिपोर्टर, चार चार कर लेते हैं, काय का प्यार, एक से प्यार, दो से प्यार, तीन से पार, चार से पार, लगातार प्यार 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 कहाँ तक बांटेंगे, कहाँ तक बांटेंगे। यहाँ का आदमी एक ही पत्नी के साथ, यहाँ के प्रभु श्री राम की कहानी सुनी है ना, माता सीता के साथ 14 वर्ष वनवास, हाँ नहीं है, वहाँ 4 भी रख लो, 5 भी रख लो, 6 भी रख लो, जितनी मर्जी रख लो। कहना है कि देश को असली जो प्रेम कहानी है, जो असली गदर की रियलिटी है, उसकी ओर ध्यान देना चाहिए, सरकारों को उसकी तरफ सोचना, उसकी तरफ सोचना चाहिए, इसकी सच्चाई पे सोचना चाहिए, इसकी मर्यादाओं पे सोचना चाहिए, इसकी सत्यता पे सोचना चाहिए। ये सच में प्यार करती है भारत को, फिल्मी डायलॉग नहीं, वो सच में राधे राधे पहनती है, वो सच में तुलसी मैया की पूजा करती है, उसने सच में सावन के महीने में भोले बाबा को प्रतिदिन बेलपत्री, धतूरा, गंगा जल और पुष्प अर्पित किए हैं। फिल्म बनाई जा रही है अब इस पर, अभी कोई फिल्म इस पर, कराची टू नोएडा, कोई कुछ कुछ नहीं, कराची नोएडा कुछ नहीं, कोई नहीं, अभी जब बनेगी तब देखना। ये क्या है, ये जो बन, ये सब ड्रामा है, रोज फिल्म बन जाती है, रोज सुबह बनती है फिल्म, सुबह होती है शादी, सुबह होता है निकाह, शाम को तलाक हो जाता है, ऐसी है फिल्में। अच्छा, जो गदर 2 रिलीज हो रही है उसके बारे में क्या कहेंगे सनी देओल की अभी सपोर्ट? नहीं, अच्छी फिल्म है, सनी देओल अच्छे कलाकार हैं, बढ़िया कलाकार हैं, देशभक्त कलाकार हैं, देशभक्ति की भावना के साथ जीते हैं, अच्छे परिवार से आते हैं, संस्कारित हैं, उस फिल्म का भी अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए, और सीमा के जीवन पर भी बहुत अच्छा कुछ होना चाहिए, अभी थोड़ी परिस्थितियाँ हैं, सही हो जाए उसके बाद देखिएगा।
सनी देओल ने भी इसकी तारीफ की थी। क्यों नहीं करेगा, सनी देओल देशभक्त है, हर देशभक्त सीमा की तारीफ करेगा। हर भारत माता की जय करने वाला अपनी भारत माता की जो जय करेगा उसकी जय करेगा ही है। तो आपका ये कहना है कि जो हमारी सीमा हैदर और सचिन की जो कहानी है वो रियलिटी है, लोगों को उससे जुड़ना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए, उसका साथ देना चाहिए और उसके साथ करना चाहिए। ये थे सीमा सचिन के वकील डॉक्टर एपी सिंह, जिनका कहना था कि गदर टू गदर वन आई, ठीक है हिट होनी चाहिए, लेकिन जो सच्ची कहानी इस समय घटित हो रही है लोगों को उससे भी जुड़ना चाहिए, उनके दुख दर्द को भी महसूस करना चाहिए। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं, इस खबर को शेयर जरूर कीजिए ताकि सत्ता के सिंहासन के बैठे हुए लोग भी इसे महसूस करें और इस पूरे मामले पर निर्णय लें। धन्यवाद।